क्या कर रहे हो भाई, फर्स्ट टाइम पी है पहाड़ी चाय? तो भाई आप कभी भी ऐसे ग्रुप में आते हो भाई दोस्तों के साथ, आपके प्लान कभी भी चेंज हो सकते हैं, इधर से उधर कभी भी जा सकते हो भाई। बिकती है दास्तां, कोई सस्ता सा कोई महंगा बड़ा। तो गाइस निकल के भाई मैं घर से बाहर हो, लाता हूं अपने दोस्तों से, राहुल, राजेश, भाई साहिल सैनी, भाई अभी का मॉडल डाउन, मॉडल डाउन इसकी जीजू की गाड़ी है भाई, और गाड़ी से हम जाएंगे अभी हरिद्वार। नहीं भाई रैंडम प्लान था एकदम, तो मैं तो निकल ही रहा था, पता ही था भाई, बस इनका भी इनका बन गया प्लान भाई हरिद्वार जाने का, तो भाई अब निकल रहे साथ में। फिलहाल भाई गाड़ी की चलते हैं सफाई, गाड़ी गंदी हो रखी थी तो गाड़ी साफ कर रहे हैं भाई। गाइस अभी आ गए हैं हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, सीएनजी भरवाएंगे, टैंक फुल करेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। वो भी सीएनजी भर रही है भाई गाड़ी में। गाइस ये भाई हम निकल चुके हैं यहाँ से हरिद्वार के लिए, तो अब सीधा हम जगारा लगाते हैं महादेव का, जिससे हमारी यात्रा बिल्कुल एक नंबर हो। गाइस हमने करा पहला टोल पार और यहाँ पे हमने पहला स्टॉप लिया, घर से कुछ वैसे भी खा पी के निकले नहीं थे, तो यहीं पे चाय की दुकान है भाई अब यहाँ पे टकाटक। अभी स्टॉक में भी लिया भाई थोड़ा गाड़ी में खाने के लिए, कुछ क्रंच करने के लिए। गाड़ी यहाँ पे अभी रोक रखी है भाई, बगल में भाई ढाबा और ये बनी है भाई चाय। हम दो पी रहे भाई चाय। चीयर्स। बीच में आ चुका सिंगर, गाने सुन लेते हैं भाई। तो यार हरिद्वार तो अभी मतलब हरिद्वार तक पहुंच चुके हैं हम, और हरिद्वार में भोले बाबा के दर्शन कर लिए हमने, बना के रखे भोले बाबा हमेशा रखे करें हमको। और हम जा रहे हैं आगे ऋषिकेश, अब वहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे, रुकेंगे क्या वहीं पे, मतलब घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो रही है भाई हमारी इस कड़क चाय के साथ, और हमारे पीछे है भाई टिहरी झील। अब यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये भाई पीछे यहाँ पे टिहरी झील। एनी कमेंट्स? हर हर महादेव। कहाँ जा रहे थे भाई? हम जा रहे थे ब्रो बसरा, बसरा से हमारा प्लान हुआ हरिद्वार, हरिद्वार से हमारा प्लान हुआ सीधा ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद भाई देवप्रयाग जाना है, तो देवप्रयाग अब श्रीनगर जाएंगे उसके बाद। श्रीनगर भाई देखते हैं क्या होता है। अरे वहाँ पे क्या है देवप्रयाग में, आपको पता है वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है, तो वो देखने जाना हमें, वही देखना था एकदम से भाई, प्लान बन गया हमारे कि चलो वही देखने चलते, कभी किसी ने देखा भी नहीं है। काफी ज्यादा भाई लड़ने झगड़ने के बाद यहाँ पर टॉस कराए बंदों ने, यहाँ ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग, या फिर भाई देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी देखने के लिए। क्या कह रहे हो भाई, फर्स्ट टाइम पिए पहाड़ी चाय? तो देख लो भाई ऐसे प्लान चेंज होते हैं। तो भाई आप कभी भी ऐसे ग्रुप में आते हो भाई दोस्तों के साथ, आपके प्लान कभी भी चेंज हो सकते हैं, इधर से उधर कभी भी जा सकते हो भाई। बादले हैं संग मेरे, रास्ते भी चल पड़े हैं गुनगुनाती ये हवाएं, लापता मन भी।
हम हैं देवप्रयाग से लगभग 20-30 किलोमीटर पीछे और यहाँ पे भाई अब अंधेरा से हो गया उजाला, यानी सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे 6:30। तो भाई साहब सुबह का नज़ारा दिखाते हैं आप कुछ ऐसा पीछे अपना ऐसा भाई नज़ारा, और यहाँ पे पीछे चल रहा है भाई इनका फोटोशूट, कहाँ गए ये पे फोटोशूट चल रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं भाई, सुबह का नज़ारा देखो भाई मस्त। ये वीडियो बना देना भाई, डालूंगा गाना लगा के ऐसी तो यहाँ यहाँ इनके अलग ही लड़ाई चल रही है वीडियो फोटो बनाने के लिए। हंस पड़ा है आज क्यों है सवालों के अंजुमन में, तो गाइस तो बचा है सिर्फ 10-12 किलोमीटर देवप्रयाग के। पहले यहाँ पर रुका है हमने लिया भाई पहला इसके यहाँ पर खाने के लिए, और ये ग्राम ने आलू पराठे। रघुनाथ मंदिर एवं संगम घाट जाने का मार्ग यहाँ से नीचे है भाई, जो अलकनंदर भागीरथी नदी का संगम होता है तो यहाँ से नीचे है, नीचे जाने का रास्ता वहीं से। और गाइस पवित्र चरणों के दर्शन करने तो यहाँ पे मिलेगी भाई हमें गंगा नदी जहाँ पे मिलती है अलकनंदर भागीरथी नदी। तो गाइस जो अभी आप पीछे देख रहे हो मेरे पीछे ये जो नदी है ये है भागीरथी नदी जिसका पानी होता है मिट्टी कलर का। अभी आगे आगे मिलेगी और दूसरी आएगी अलकनंदा नदी तो जिसका कलर होता है ब्लू कलर का, वो मिलेगी साथ में फिर बनती है गंगा नदी। भाई बड़ा मस्त लगेगा क्योंकि मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं भी, मजा आ जाएगा देख के भाई। और हमेशा देखा ही हमेशा ऊपर जाते हुए देखा, तभी मैं कभी गांव जाता था इधर उधर जाता था देवप्रयाग के आगे से ऊपर से देख के ले जाते थे, बट कभी हम नीचे नहीं आए और ना ही पास में आके देखा है, तो ये भी मेरे लिए पहली बार ही होगा। और भाई यहाँ पे बना हुआ है ब्रिज और ये देवप्रयाग है पूरा, देवप्रयाग में बने हुए घर तरंगी जान सकड़ो और गाइस भाई ये ब्रिज हिल रहा है बड़ी गंदी तरीके से, थोड़ा डर भी लग रहा है भाई इसमें चलने में, हिल रहा है पूरा का मतलब इतना ज्यादा नहीं हिल रहा बट थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो रहा है। और ब्रिज अभी हमने कर लिया भाई क्रॉस, अब है दूसरी साइड आ गए हम ब्रिज के, वहाँ पर ये मार्केट बनी है पूरी मेरे ख्याल से, हाँ मार्केट है, यहाँ पे हम जो भी सामान लेना सकते हैं मतलब कपड़े की दुकान फोन वगैरह की दुकान है स्टेशनरी है। तो एकदम अब पहुंच चुके हम सबसे नीचे जहाँ पे मेल हो रहा है संगम हो रहा है दोनों नदियों का अलकनंदा और भागीरथी नदी का। यह है भागीरथी नदी और यह है अलकनंदा नदी, नदी का कलर हमेशा मतलब ब्लू सा रहता था लेकिन अभी चेंज हो गया है, और वो वाला देखो वो है भागीरथी नदी जिसका मिट्टी ऐसा कलर है और ये अलकनंदा। असली गाइस यहाँ पे मिल रही है दोनों नदियाँ और आगे जाके ये नदी बनती है गंगा नदी, क्या बनती है गंगा नदी। थे वो अधूरी कहानी मुझे फिर फुसला कर ले चले वो निंदिया के पार हर बार। तो भाई अभी हमने ये खरीदे भाई ये आटे के दाने मतलब आटे से बना रखे हैं गोल गोल दाने, अब ये खिलाएंगे हम यहाँ पे मछलियों को, तो यहाँ पे पास पास में मछलियाँ यहाँ पे कुछ, तो भाई ये खिलाएंगे मछलियों को। तो फाइनली अभी हमने मछलियों को दाना वाना खिला दिया और उसके बाद अब नदी के पास आए घाट के पास आए तो भाई बनता है बिल्कुल यहाँ पे नाना, स्नान करेंगे अभी यहाँ पे। बैठा हुआ झांकता मैं रहा खिड़की से जरा देखी कतरंगी जहां सकड़ो या बिकती है दास्तां कोई सस्ता सा कोई